ईयर 1946 में आयरलैंड का एक असाइलम था जिसका नाम था मैरी मैग्डालिन असाइलम, जहां ऐसी लड़कियों को भेजते थे जिन्हें क्रिश्चियन लोग अपवित्र मानते थे। असाइलम में लड़कियों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे ताकि उन लड़कियों के पापों के प्रायश्चित हो जाए। तो ये कहानी है ऐसी चार लड़कियों की जो मैग्डालिन असाइलम की भयानक क्रुएल्टी और वायलेंस का शिकार हुई थी। तो ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले ही इस वीडियो को लाइक कर दें। मार्गरेट नाम की एक लड़की जो अपने रिलेटिव्स के साथ एक शादी में एंजॉय कर रही थी, मार्गरेट का कजिन उसे जबरदस्ती ऐसी रूम में ले गया जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। पहले तो वो उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मार्गरेट उसका विरोध करती है तो वो उसके साथ फिजिकल असॉल्ट भी करता है। मार्गरेट रोती हुई वापस आई और ये बात अपनी बहन को बताई। उसकी बहन अपने फादर के पास गई। उसके बाद मार्गरेट के फादर एक प्रीस्ट के पास जाकर कुछ डिस्कस करने लगे। ये देख के वो समझ गई थी अब उसके साथ कुछ और भी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि उस जमाने में औरतों को ही दोषी माना जाता था, जबकि मार्गरेट का कजिन आराम से शादी एंजॉय कर रहा था। अगली सुबह मार्गरेट के पिता उसे बिना कुछ बताए जबरदस्ती अपने साथ ले गए। ये सब मार्गरेट का भाई देख रहा था, लेकिन उसे भी कुछ नहीं बताया गया और ना ही मार्गरेट जानती थी कि वो कहां जा रही है। मार्गरेट के डैड उसके साथ इतना रूड बिहेव कर रहे थे जैसे कि उसने कोई घटिया क्राइम किया हो। मार्गरेट को मैग्डालिन असाइलम भेज दिया गया। फिर हम देखते हैं बर्नाडेट को, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो एक अनाथ आश्रम में रहती थी। एक दिन कुछ लड़के उसे देख के फ्लर्ट कर रहे थे। वैसे तो बर्नाडेट उनमें इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन उसे जो अटेंशन मिल रही थी वो उसे इंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ ऑर्फनेज की नन आई जिसने उन लड़कों को भगा दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो लड़के वापस आ गए और बर्नाडेट उन लड़कों से बात करने लगी, जिसे देख के नन को लगा कि बर्नाडेट ही कैरेक्टर लेस है और उसे भी मैग्डालिन असाइलम भेज दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं रोज को, जो एक अनमैरिड मॉम थी। उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज्यादा नाराज थे। रोज अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बच्चे को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो जानती नहीं थी कि ये लोग उसके बच्चे को ऑर्फनेज भेज देंगे और उसे भी असाइलम में डाल देंगे। रोज को उसके बच्चे से अलग कर दिया गया। वो बस चीखती चिल्लाती रह गई। अब तीनों लड़कियां एक ही दिन असाइलम पहुंची थी, जहां उन्हें सिस्टर ब्रिजेट मिली, जो असाइलम की मेन सिस्टर थी। सिस्टर ब्रिजेट उन्हें असाइलम के रूल समझाते हुए कहती है यहां पर उन्हें हार्ड वर्क करना होगा और हर वक्त प्रे करते रहना होगा ताकि गॉड उनके पापों का प्रायश्चित स्वीकार करे। आज से वो दुनिया के हर सुख आराम से दूर रहेंगी। यहां पर भी उन्हें हर तरह के प्लेजर से दूर रहना होगा। इस तरह से वो अपने पाप धो पाएंगी और उनकी आत्मा फिर से पवित्र हो जाएगी। तभी मार्गरेट उनको बीच में रोकते हुए कहती है कि वो वापस घर जाना चाहती है, लेकिन सिस्टर ब्रिजेट कहती है कि आज के बाद वो अपना मुंह बंद रखेगी क्योंकि वहाँ से बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। उन तीनों को लॉन्ड्री का काम दिया जाता है, दिन रात मजदूरी कराई जाती थी। उनकी मेहनत के पैसों से वहाँ की सिस्टर ऐश करती थी, जबकि लड़कियों के साथ कैदियों जैसा व्यवहार किया जाता है। रात को सारी लड़कियाँ वहीं पर चेंज करती हैं और प्रेयर करके सो जाती हैं। कुछ रात जाने के बाद रोज की तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि उसके न्यूबॉर्न बेबी को उससे अलग कर दिया गया था, इसलिए उसे ब्रेस्ट फीडिंग पेन हो रही थी। फिर भी रोज इस बात को छुपा लेती है, क्योंकि सिस्टर को पता चला तो वो इस बात के लिए भी उसे पनिशमेंट देंगी। अगली सुबह लड़कियों को जल्दी उठाया गया, क्योंकि वहाँ से यूना नाम की एक लड़की गायब हो गई थी। सिस्टर आकर सब लड़कियों से यूना के बारे में पूछती हैं, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसके बाद सारी लड़कियां ब्रेकफास्ट करने के लिए चली गईं, जहां बर्नाडेट देखती है कि लड़कियों को रूखा सूखा खाना दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ सारी नल लजीज पकवान खा रही हैं। ब्रेकफास्ट के बाद उन्हें फिर से कपड़े धोने भेज दिया गया। वहां पर केटी नाम की एक बूढ़ी औरत थी जो इन लड़कियों पर नजर रख रही थी। वहां पर लड़कियों को आपस में बात करने की भी इजाजत नहीं थी। क्रिस्पिना नाम की एक लड़की बर्नाडेट से बातें करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने बहुत ज्यादा गंदे कपड़े दिए थे जिसे क्रिस्पिना साफ नहीं कर पा रही थी। सिस्टर उन्हें डांट लगाकर जबरदस्ती सारे कपड़े धुलवाती हैं। सिस्टर केटी लड़कियों से बताती है कि यूना के भागने की वजह से अब एक नन को पनिश किया जाएगा, क्योंकि वो नन ड्यूटी के टाइम सो गई थी जिस वजह से यूना भाग निकली। अब उस नन को अफ्रीका में मजदूरी के लिए भेज दिया जाएगा। ये सुनने के बाद उसी रात को मार्गरेट भी भागने की तैयारी में थी, लेकिन तभी उसे यूना के चिल्लाने की
की आवाज आई। यूना के डैड उसे मारते पीटते हुए वापस असाइलम लाकर छोड़ गए और यूना से कहा कि आज से उन लोगों का यूना से कोई रिश्ता नहीं है और यूना अब अपनी सारी जिंदगी यहीं पर बिताएगी। ये देख के मार्गरेट ने अपना प्लान बदल दिया। अब ये साफ था कि इन लड़कियों को अगर यहाँ से भागना है तो वो वापस अपने घर नहीं जा सकती। क्रिस्पीना मानसिक रूप से थोड़ी सी कमजोर थी। वो एक अनमैरिड मॉम थी, बिल्कुल रोज की तरह। एक दिन क्रिस्पीना की बहन उससे मिलने आई, जिसे अंदर आने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वो क्रिस्पीना के बेटे को लेकर बाहर ही खड़ी थी। वो क्रिस्पीना को एक लॉकेट दिखा रही थी, जैसा कि सेम क्रिस्पीना के पास भी था। वो सेंट क्रिस्टोफर के नाम का लॉकेट था। ये लॉकेट ही था जो उन्हें एक दूसरे के पास होने का एहसास दिलाता। क्रिस्पीना हर वक्त उस लॉकेट को ही देखकर पे करती रहती। क्रिस्पीना का बेटा अब 2 साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक वो असाइलम में ही थी। वो अपने बच्चे का नाम तक नहीं जानती थी। बस कभी कभी उसकी बहन उसके बेटे को लेकर आती थी, जिसे क्रिस्पीना दूर से ही देख के खुश हो जाती थी। रोज क्रिस्पीना के सिचुएशन से रिलेट कर पा रही थी। साथ में उसे इस बात का भी डर था कि अब वो भी हमेशा के लिए यहीं रह जाएगी। लॉन्ड्री में कपड़े लाने और ले जाने का काम ब्रेंटन नाम का एक लड़का करता था। जब उसने बर्नाडेट को देखा तो उसे वो छेड़ने लगा, क्योंकि बर्नाडेट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। पहले तो बर्नाडेट ने इग्नोर किया, लेकिन अगली बार जब ब्रेंटन ने उसे रोकने की कोशिश की, क्रिस्पीना और रोज को बात करता हुआ देख के उन्हें एक सिस्टर डांट लगाती है, जिसे देख के बर्नाडेट गुस्से में आई और सिस्टर ब्रिजेट से मिलने की डिमांड करने लगी। उसके बाद वो सिस्टर क्रिस्पीना और बर्नाडेट को घसीटते हुए सिस्टर ब्रिजेट के पास ले गई, जो इस वक्त यूना के बालों को सेव कर रही थी। बर्नाडेट यहाँ ब्रेंडन की शिकायत करने आई थी, लेकिन उल्टा उन्हीं को पनिशमेंट दी जाती है। उन्हें अपनी बात बोलने का मौका भी नहीं मिला। सिस्टर ब्रिजेट कहती है कि उन्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करने आना चाहिए। ये पनिशमेंट इसलिए थी ताकि वो दोबारा कभी शिकायत लेकर ना आए। उन दोनों के जाने के बाद यूना को लगा उसका पनिशमेंट भी खत्म हो गया। वो अपने गिरे हुए बालों को समेटने लगी, लेकिन सिस्टर ब्रिजेट उसे अभी भी रोक कर रखती है। न जाने बिचारी के साथ अब क्या होगा। रात को बर्नाडेट रोज से बात करती है कि वो लोग गुलाम नहीं है, वो एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं। बर्नाडेट गुस्से में थी। अब वो किसी भी कीमत पर यहाँ से भागना चाहती थी, इसलिए वो ब्रेंडन को कहती है कि वो जो कहेगा वो करेगी, बदले में वो रात को यहाँ से भागने में उसकी हेल्प करे। वो बर्नाडेट की बात मानने को तैयार नहीं था, जिसके बाद बर्नाडेट ने ब्रेंडन को किस किया ताकि वो उसकी बात मान ले। बर्नाडेट उसे फुसलाने के लिए कहती है कि वो दोनों यहाँ से भाग के शादी कर लेंगे, जिसके लिए ब्रेंडन भी तैयार था, लेकिन उससे पहले ही वो चाहता था कि वो उसे खुश करे। वो दोनों कुछ करते उससे पहले ही उन्हें कैटी नाम की एक औरत ने देख लिया। बर्नाडेट उसे पकड़कर कहती है कि वो सिस्टर ब्रिजेट को कुछ भी नहीं बताएगी, और अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। कैटी बर्नाडेट की बड़ी बड़ी गुस्से भरी आंखों को देख के डर गई, इसलिए वो किसी को कुछ भी नहीं बताती। एक रात को ब्रेंडन और बर्नाडेट भागने का प्लान बनाते हैं। वो असाइलम के पीछे वाले गेट की चाबी छुपाकर लाया था, जो अक्सर उसके डैड के पास हुआ करती थी। ब्रेंडन की आने की आहट सुनकर बर्नाडेट भागते हुए पीछे के दरवाजे तक आई, लेकिन वो दरवाजा उसके रूम से बहुत दूर था। उसे आने में इतना वक्त लग गया कि ब्रेंडन डर गया। उसने ऐन वक्त पर दरवाजा फिर से लॉक कर दिया। बर्नाडेट जब वहाँ पहुँची तो ब्रेंडन ने उसे बताया कि एक बार उसके बड़े भाई ने नंस की एक एप्पल चोरी कर ली थी, जिसके बाद उसे 6 साल की सजा सुनाई गई। 6 साल तक वो जेल में बंद रहा। अगर इस बार नंस को पता चला कि उसने एक लड़की को गायब कर दिया है तो उसे तो फांसी दे दी जाएगी। ब्रेंडन डर गया और वहाँ से भाग निकला। बर्नाडेट जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वो दरवाजा खोल दे। उसकी आवाज़ सुनकर असाइलम की नंस वहाँ पर आ गईं और बर्नाडेट पकड़ी गई। इस बार वो लोग पनिशमेंट के तौर पर बर्नाडेट की हेयर शेव कर देते हैं। वो उनको रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सिस्टर इतनी क्रूअल थी कि बर्नाडेट की स्किन कट हो जाने के बाद भी नहीं रुकी। जब बर्नाडेट ने अपने आप को मिरर में देखा तो उसे फील हुआ कि वो अब कभी भी यहाँ से निकलकर भाग नहीं पाएगी। उसकी आखिरी होप भी खत्म हो गई थी।
अब फिर से हमेशा की तरह लड़कियों से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी। इसी तरह कई साल बीत गए। ये लड़कियां किसी तरह वहां पर अपनी जिंदगी काट रही थी। नंस इन लड़कियों की मेहनत की कमाई एक लॉकर में रखती थी। उन पैसों की वजह से वो ऐश आराम की लाइफ बिता रही थी। एक दिन असाइलम को डोनेशन में 3 वॉशिंग मशीन्स मिले, जिसके बाद उन लड़कियों का काम थोड़ा सा कम हो गया। वहाँ नंस इतनी चीप थी कि उन लड़कियों की बॉडी को भी चेक करती थी और उनके ओवरवेट या अंडरवेट होने की वजह से उनके साथ बॉडी शेमिंग की जाती थी। एक दिन एक नन ने क्रिस्पिना को बहुत ज्यादा इंसल्ट किया, जो कि क्रिस्पिना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उस रात को खुद को पनिशमेंट देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने नाइट सूट को भिगा लिया और भीगा हुआ सूट ही पहनकर सो गई। अगली सुबह तक उसे कोल्ड और फ्लू हो चुका था। क्रिस्पिना अब जीना नहीं चाहती थी। वो मार्गरेट से कहती है कि वो अब इसी तरह मरना चाहती है। नन जब क्रिस्पिना की हालत देखती है तो मार्गरेट को कहती है कि वो उसका ख्याल रखे जब तक कि वो ठीक नहीं होती। उसके बाद मार्गरेट उसे लेकर रूम में आई, तभी वहाँ क्रिस्पिना की लॉकेट गिर गई, जिसे बर्नाडेट रख लेती है। रूम में आने के बाद क्रिस्पिना देखती है कि उसका लॉकेट मिसिंग है। वो अपनी लॉकेट को वापस पाने की जिद करने लगी। तब मार्गरेट ने उसे कहा कि वो चिंता ना करे, वो उसका लॉकेट ढूंढकर जरूर वापस लाएगी। मार्गरेट के जाने के बाद क्रिस्पिना फिर से बेडशीट उठाकर वॉशरूम की तरफ चली गई। वो बार बार गीले बेड पर ही सोती थी ताकि वो इस बीमारी से मर जाए। क्रिस्पिना मार्गरेट से कहती है कि उसका लॉकेट अगर उसके पास नहीं आया तो वो मरने के बाद हेल में जाएगी, क्योंकि वो सेंट क्रिस्टोफर की लॉकेट थी। एक रात को मार्गरेट देखती है कि क्रिस्पिना सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। वो जल्दी जल्दी कुछ लड़कियों को जगाकर अपने साथ ले गई। उन लड़कियों ने बड़ी मुश्किल से क्रिस्पिना की जान बचाई, जिसके बाद मार्गरेट क्रिस्पिना को दिलासा देती है कि एक दिन वो यहाँ से जरूर निकलेगी और अपने बेटे से मिलेगी। उसे ऐसे अपनी जिंदगी से हार नहीं मानना चाहिए, जिसे देख के बर्नाडेट कहती है कि उसे झूठी उम्मीद देने की जरूरत नहीं है, वो लोग यहाँ से कभी नहीं निकलेंगे। बर्नाडेट के मन में एकदम से कड़वाहट भर गई थी। क्रिस्पिना की हालत देखकर बर्नाडेट सोचती है कि वो उसकी लॉकेट वापस कर देगी। वो उस रात उसे देने भी गई थी, लेकिन जब वो देखती है कि क्रिस्पिना स्माइल कर रही है तो बर्नाडेट उसे दिया हुआ लॉकेट वापस ले लेती है। एक दिन जब लड़कियां बाहर काम करने के लिए जा रही थी तो मार्गरेट देखती है कि क्रिस्पिना और प्रिस्ट कुछ गलत काम कर रहे थे। उसके बाद सिस्टर ब्रिजेट सब लड़कियों को बताती है कि यूना अब नन बनना चाहती है, जिसके बाद नन बनाने का एक प्रोग्राम होता है। उस टाइम मार्गरेट की नजर उस प्रिस्ट के ऊपर ही थी। उसे क्रिस्पिना के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर है और प्रिस्ट ने ही उसे बहकाया होगा। वो क्रिस्पिना से कहती है कि प्रिस्ट मैन ऑफ कोर्ट नहीं है, उसे प्रिस्ट की हर बात मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्रिस्पिना कहाँ समझने वाली थी, इसलिए मार्गरेट प्रिस्ट को मजा चखाने के लिए असाइलम के पीछे जाती है, जहाँ खुजली वाले प्लांट्स थे। वहाँ जाने के बाद उसे एक गेट दिखा जो बाहर की तरफ खुलता था, यानी कि वो असाइलम से भागने का रास्ता था। मार्गरेट बाहर भी निकली और लिफ्ट के लिए एक कार को भी रोका, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपना फैसला बदल लिया, क्योंकि भागकर वो जाएगी भी कहाँ। उसकी फैमिली उसे यूना की तरह वापस यहाँ भेज देगी, जिसके बाद मार्गरेट वापस अंदर गई और पीछे वाले दरवाजे के बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं बताया। डिनर के वक्त क्रिस्पिना मार्गरेट से कहती है कि उसे अभी तक उसका लॉकेट नहीं मिला। मार्गरेट उसी वक्त रूम में गई। वो सबके बेड और सामानों की तलाशी लेने लगी। उसे बर्नाडेट के पास से वो लॉकेट मिल गई, जिसके बाद बर्नाडेट और मार्गरेट के बीच में फाइट होने लगी। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्पिना इस बात से ही खुश थी कि उसे लॉकेट वापस मिल गई। कुछ दिनों बाद असाइलम में कोई प्रोग्राम था, जिसमें कुछ आर्मी के लोग भी आए थे। ये एक लौता दिन था जब वहाँ की लड़कियाँ बाहर निकली थीं और बाहर के लोगों को देख रही थी। मार्गरेट ने एक दिन पहले ही प्रिस्ट के कपड़े धोते वक्त उसमें खुजली वाले पौधे डाल दिए थे, जिसकी वजह से स्पीच देते वक्त ही प्रिस्ट की बॉडी में खुजली शुरू हो गई। वो सबके सामने ही अपने कपड़े उतारते गया। कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ हैरान थे। प्रिस्ट बिना किसी बात की परवाह किए वहाँ से भाग गया। उसके जाने के बाद क्रिस्पिना को भी खुजली होने लगी, जिसे देख के सब समझ गए थे कि प्रिस्ट और क्रिस्पिना कितने ज्यादा करीब हैं। क्रिस्पिना सबके सामने चिल्ला चिल्ला के कहने लगी कि प्रिस्ट पापी है, वो मैन ऑफ गॉड नहीं है।
मार्गरेट को क्रिस्पिना के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो जानती थी कि अब उसे भी पनिशमेंट दी जाएगी। वो लोग उसी रात को क्रिस्पिना को पागलखाने भेज देते हैं ताकि वो प्रिस्ट के बारे में किसी को कुछ न बताए। मार्गरेट एक बार को सोचती है कि वो क्रिस्पिना को बचाने के लिए सबको बता देगी इसमें प्रिस्ट की गलती है, लेकिन उसे पता था कि ये लोग सही गलत बिना देखे उसे भी पनिशमेंट देंगे, इसलिए वो चुपचाप सब कुछ देखती रही। मार्गरेट यहाँ पिछले 4 सालों से थी। एक दिन उसका भाई उसे लेने आया, अब वो पड़ा हो गया था। नन उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो किसी के सुने बिना मार्गरेट तक पहुँच गया। मार्गरेट अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगी, तभी उसे रास्ते में सिस्टर ब्रिजिट दिखी जो शायद मार्गरेट को बाहर जाने से रोक लेती, इसलिए मार्गरेट उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि वो उसे यहाँ से जाने दे, जिसके बाद ब्रिजिट चुपचाप वहाँ से चली गई। मार्गरेट को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि फाइनली वो बाहर जा सकती है। कुछ दिनों बाद रोज के बेटे का बर्थडे था। वो अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट कार्ड भेजना चाहती थी, जिसके लिए वो सिस्टर ब्रिजिट के पास गई। उस वक्त सिस्टर ब्रिजिट की चाबी खो गई थी। वो उस चाबी को पागलों की तरह यहाँ वहाँ तलाश कर रही थी। रोज जब वहाँ आई तो उसे वो चाबी एक अलमारी के नीचे गिरी हुई दिखी। रोज ने जब ये सुना कि वो चाबी पैसों की अलमारी की है तो उसने सिस्टर ब्रिजिट को कुछ नहीं बताया, क्योंकि इतने पैसे होने के बाद भी सिस्टर ब्रिजिट ने उसे एक कार्ड लेने के लिए भी पैसे नहीं दिए। क्रिस्पिना के जाने के बाद उसकी सिस्टर एक दिन फिर से उससे मिलने आई। रोज उसे देख के उसकी तरफ जाने लगी ताकि वो उसे बता सके कि क्रिस्पिना के साथ क्या क्या हुआ, लेकिन रास्ते में ही उसे एक नन रोक लेती है, जिसके बाद रोज को भी पनिशमेंट मिली। उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटा गया। रात को बर्नाडेट रोज से कहती है कि अगर वो यहाँ रही तो जिंदगी भर ऐसे ही अत्याचार सहते हुए एक दिन मर जाएगी, इसलिए उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वो दोनों फिर से भागने का प्लान बनाती हैं। रात को सबके सोने के बाद दोनों सिस्टर ब्रिजिट के ऑफिस में घुसकर चाबियों की तलाशी करने लगी। शोर सुन के सिस्टर भागते हुए आई। बर्नाडेट ने देखा कि गेट की चाबी तो सिस्टर के गले में है। वो सिस्टर से चाबी छीनने लगी। काफी देर तक छीना झपटी करने के बाद भी बर्नाडेट को चाबी नहीं मिली। तब रोज उस चाबी को अलमारी के नीचे से निकालती है जो पैसों की अलमारी की चाबी थी, जिसके बदले में सिस्टर उन्हें गेट की चाबी दे देती है। बाहर निकलने के बाद कुछ और नन उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बर्नाडेट उन्हें एक लोहे का कैंडल स्टैंड लेकर मारने के लिए दौड़ाती हैं। सुबह होते होते वो दोनों शहर से बाहर आ गई थी। वो एक सैलून में गईं, जहाँ की ओनर ने उन्हें फ्री में कपड़े और मेकअप करके दिए ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। कुछ दिनों बाद अपनी न्यू लाइफ शुरू करने के लिए रोज वहाँ से चली गई और बर्नाडेट वहीं रहकर सैलून में काम करने लगी। कई सालों बाद फिर से एक दिन बर्नाडेट को असाइलम की नर्स दिखी। बर्नाडेट को फिर से वो पेन और टॉर्चर याद आ गया जो उसने कई सालों तक सही थी। वो उनके सामने अपने लंबे खूबसूरत बाल को खोलकर उन्हें दिखाती है। बर्नाडेट ने अपनी आगे की जिंदगी अपनी मर्जी से स्पेंड की। उसने 3 शादियां की और तीनों बार डिवोर्स लेकर अब अकेली रहती है। रोज की भी शादी हो गई थी और उसकी 2 बेटियां थी। 1996 में उसे वो बेटा भी मिल गया जिन्हें उसके माता पिता ने ऑर्फनेज में डाल दिया था। अब वो 33 साल की उम्र का हो चुका था। मार्गरेट असाइलम में जाने के बाद एक स्कूल के हेड टीचर बन गई थी और उसने कभी भी शादी नहीं की। क्रिस्पिना को इतना टॉर्चर किया गया था कि वो पागल हो गई थी और 24 साल की उम्र में ही पागलखाने में उसकी मौत हो गई। मैरी मैग्डालिन असाइलम में लगभग 30,000 औरतें गुलामों जैसी जिंदगी बिताती रहीं। इस असाइलम 1996 में बंद कर दिया गया। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।